नमस्कार दोस्तों, मोगरा मेडिसिन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली एलर्जी की टैबलेट के बारे में, या फिर एलर्जी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जी क्या होती है और ये एलर्जी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, एलर्जी ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है, या फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, उसी के कारण हमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि एलर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर एलर्जी कितने प्रकार की होती है, या फिर किस कारण हमें एलर्जी होती है। इसमें सबसे पहला प्रकार है दोस्तों, मेडिसिनल एलर्जी, मतलब दवाइयों से होने वाली एलर्जी। दूसरे नंबर है दोस्तों, डस्ट एलर्जी, मतलब धूल से या मिट्टी से होने वाली एलर्जी। एनिमल एलर्जी, जानवरों से एलर्जी, मतलब अगर आपका किसी को जानवर के संपर्क में आने से भी एलर्जी हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों, फूड एलर्जी, खाने से एलर्जी, किसी को खाने से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ ऐसी सब्जियां खा लेते हैं, उनको उन सब्जी से एलर्जी होती है, जैसे कि बैंगन या फिर और भी बहुत सारे फूड है जिनके कारण एलर्जी होती है, या फिर मछली मटन ऐसे खाने वालों को भी एलर्जी होती है। इसके बाद है दोस्तों, पोल्यूशन एलर्जी, मतलब प्रदूषण से होने वाली एलर्जी। और दोस्तों, छठे नंबर है इंसेक्ट एलर्जी, मतलब कीड़े काटने से एलर्जी या फिर मच्छर काटने से भी एलर्जी होती है। तो दोस्तों, ये थे एलर्जी के प्रकार, जैसे कि मेडिसिनल एलर्जी, डस्ट एलर्जी, एनिमल एलर्जी, फूड एलर्जी, पोल्यूशन एलर्जी और इंसेक्ट एलर्जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एलर्जी के सिम्टम्स के बारे में, या फिर एलर्जी कैसे होती है, व्हाट इज़ एलर्जी, एलर्जी में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, स्किन रैशेस होना, मतलब त्वचा लाल हो जाना, पिंपल हो जाना, मतलब फुंसी हो जाना, बॉडी स्वेलिंग, मतलब शरीर में सूजन आ जाना, या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में समस्या होना, या फिर रनी नोज, मतलब नाक से पानी बहना, या सर्दी होना, इचिंग का प्रॉब्लम, मतलब खुजली होना, या फिर स्वेलिंग इन लिप्स, मतलब होठों पर सूजन आ जाना, ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एलर्जी के सिम्टम्स, स्किन रैशेस, पिंपल्स, बॉडी स्वेलिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रनी नोज, इचिंग, स्वेलिंग इन लिप्स। तो दोस्तों, ये थे एलर्जी के सिम्टम्स, अगर आपको एलर्जी होती है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इन सभी सिम्टम्स को, या फिर एलर्जी को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टैबलेट सेट्रिजिन या फिर ओकासे टैबलेट, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और इसमें आपको सेट्रिजिन 10 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके यूजेस या फिर फायदे की बात के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका यूज़ इचिंग होने पर, मतलब खुजली होने पर, वाटरी आइज, मतलब आँखों से पानी आने पर भी इसका यूज़ किया जाता है, और रोनी नस, मतलब नाक बहने पर या सर्दी हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके डोसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका डोस ओडी लिया जाता है, मतलब दिन में एक ही बार लेना है इसे खाना खाने के बाद। अगर दोस्तों, इसका सेवन अगर आप रात में सोने के टाइम करते हो तो इसका रिजल्ट भी बेटर मिलेगा। और दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करने से किसी को नींद भी लगती है, इसलिए इस टैबलेट का सेवन करने के लिए डॉक्टर भी नाइट का ही सलाह देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करने से आपको हेडेक होना, मतलब सर दर्द होना, वोमिटिंग होना, मतलब उल्टी होना, स्लीपी, नींद आना, नोचिया, जी मचलाना, ऐसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगली मेडिसिन देखते हैं एलर्जी में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने वाली टैबलेट के बारे में, जो कि एलेग्रा के नाम से मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है। और दोस्तों, इसके यूजेस के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका यूज़ इचिंग में, मतलब खुजली होने पर, स्नीजी होने पर, मतलब छींके आने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बॉडी रेडनेस, शरीर पे लाल चट्टे हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस टैबलेट का सेवन करने से किसी को हेडेक होना, मतलब सर दर्द होना, या स्टमक पेन होना, पेट दर्द होना, डाइजे होना, मतलब चक्कर आना, या स्लीपी,
नींद लगने जैसी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों इस टैबलेट का सेवन करने से भी पहले कभी भी आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। तो चलिए दोस्तों अब हम अगली मेडिसिन देखते हैं। एलर्जी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लिवोसेट एम टैबलेट, जो कि हेट्रो हेल्थ कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल इचिंग में, मतलब खुजली होने पर, स्निजी मतलब छींके आने पर, रोनिनोस मतलब नाक बहने पर, या सर्दी में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका सेवन ओटी ही लेना होता है, मतलब दिन में एक ही बार किया जाता है इसका सेवन, खाना खाने के बाद या फिर आप अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही इसका सेवन करना है। और दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका सेवन करने से किसी किसी को हेडेक होना, मतलब सर दर्द होना, या स्टमक पेन होना, पेट दर्द होना, डाइजी होना मतलब चक्कर आना, या फिर नींद लगने जैसी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी इस टैबलेट का सेवन करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लें। तो दोस्तों अब हमारी अगली मेडिसिन है लिवोसेट टैबलेट। इसमें आपको लिवोसेट्रिजिन 5 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका इस्तेमाल रनी नोज मतलब नाक बहने पर, स्नीजी होने पर मतलब छींके आने पर, या बॉडी रेडनेस मतलब शरीर पे लाल चकते पड़ जाने पर, या शरीर लाल हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसका सेवन करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग होना, उल्टे होना, हेडेक होना, सर दर्द होना, या नींद लगने जैसी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों ये थे टैबलेट जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा एलर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन से भी मेडिसिन का सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।